उत्तर प्रदेश पंचायती राज ग्रामीण सफाई कर्मचारी संघ ने पुरानी पेंशन बहाल किए जाने सहित 5 सूत्रीय मांगों को लेकर कलेक्ट्रेट पर जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारी जिला अध्यक्ष अकबर हुसैन के नेतृत्व में जुलूस के रूप में नारेबाजी करते हुए कलेक्ट्रेट में पहुंचे और एडीएम सिटी आलोक कुमार वर्मा को एक ज्ञापन पेश किया गया। प्रधानमंत्री को संबोधित 5 सूत्रीय ज्ञापन में कहा गया कि पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश के अधीन कार्यरत 10 लाख से अधिक ग्रामीण सफाई कर्मचारियों की कई समस्याएं वर्षों से लंबित है, जिसका निस्तारण आज तक नहीं हो पाया है, जबकि कई बार प्रांतीय व जनपद स्तर द्वारा पत्र प्रेषण व ज्ञापन के माध्यम से निराकरण कराने की आशा व्यक्त की जाती रही है। सरकार द्वारा भी समय समय पर अन्य विभागों के कर्मचारियों को लाभ प्रदान अनुपगठित किया गया है, किंतु पंचायती राज विभाग के ग्रामीण सफाई कर्मचारी आज भी अपने अधिकारों से वंचित हैं। ज्ञापन में कहा गया कि पेंशन कर्मचारी के लिए बुढ़ापे की लाठी है, लेकिन सरकार ने कर्मचारी की इस पेंशन रूपी लाठी को छीनकर उसे बेसहारा कर दिया है। सेवानिवृत्त होने के बाद कर्मचारी का कोई सहारा नहीं होता, पेंशन ही एकमात्र सहारा होती है और सरकार ने उसे भी उससे महरूम कर दिया है। कहा गया है कि हम सरकारों से पेंशन बहाली की भीख नहीं मांग रहे हैं, बल्कि अपना छीना हुआ अधिकार मांग रहे हैं। मांग उठाई गई है कि पंचायती राज विभाग में कार्यरत सफाई कर्मचारियों की विभागीय सेवा नियमावली बनाई जाए, पंचायती राज विभाग में कार्यरत सफाई कर्मचारियों की पदोन्नति की जाए, पंचायती राज विभाग में कार्यरत सफाई कर्मचारी का नाम बदलकर पंचायत सेवक किया जाए, पुरानी पेंशन व्यवस्था बहाल की जाए और उन्हें प्रधानों के नियंत्रण से मुक्त कराया जाए। ज्ञापन में कहा गया कि यदि उनकी मांगों पर सरकार द्वारा विचार नहीं किया गया तो वे उग्र आंदोलन करने को विवश होंगे। ज्ञापन देने वालों में मुकेश कुमार वाल्मीकि, मन्नू सिंह, विमल कुमार, राकेश कुमार, शांति देवी सहित भारी संख्या में संगठन के पदाधिकारी मौजूद रहे। क्या नाम है आपका? राजपाल सिंह। राजपाल जी, आप किन समस्याओं को लेकर यहाँ आए? हमारी जो है 3 मांगे हैं, सबसे 5 मांगे हमारी, 5 मांगे हैं हमारी पदोन्नति के संबंध में, और दूसरी मांग हमारी ग्राम प्रधान से मुक्तिकरण, और तीसरी मांग हमारी पुरानी पेंशन है, सेवा नियमावली बनाई जाए, सेवा नियमावली हमारी बनाई जाए और प्रधानों के नियंत्रण से मुक्त। जिस संगठन की तरफ से ही प्रदर्शन? उत्तर प्रदेश पंचायती राज ग्रामीण सफाई कर्मचारी की तरफ से। मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन? मुख्यमंत्री क्या मांग करना चाहते हैं? हम ये चाहते हमारी सर सारी मांगे लंबी मांगे चली आ रही है काफी समय से, उन मांगों का तुरंत जो है निस्तारण किया जाए। अब बताओ किन मुद्दों को लेकर आपके द्वारा प्रदर्शन किया गया? मुद्दों से लेकर किया गया है। मेरा नाम अकबर हुसैन है, मैं सफाई कर्मचारी जिला अध्यक्ष हूँ उत्तर प्रदेश ग्रामीण सफाई कर्मचारी संघ की तरफ से। हमारा जो आज ये मोटरसाइकिल रैली निकाली गई है, ये पुरानी पेंशन बहाल के संबंध में निकाली गई है। जो हमारी मांगे हैं, कुछ हमारी मांगे पुरानी भी चल रही हैं, जैसे ग्राम प्रधान से हमें मुक्त किया जाए, और दूसरी मांग हमारी यह है कि हमारा जो नाम सफाई कर्मचारी रखा गया है वो हमारा नाम सेवा संघ रखा जाए, पंचायत सेवक रखा जाए, और तीसरी हमारी मांग ये है जो हमारी पदोन्नति की जो मांग चल रही है वो हमारी पूरी कर दी जाए, इस संबंधों में सेवा नियमावली हमारी बनाई जाए। ये हमारी 5 मांगे हैं और हमने मुख्यमंत्री जी से ये आशा करते हैं कि हमारी मांगे पूरी कर दी जाए, उनका बड़ा धन्यवाद होगा, नहीं तो फिर अब आगे को हमारा अगर नहीं होती हैं तो 23 तारीख में हमारा फिर लखनऊ में धरना प्रदर्शन होगा, अगर ये जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं करते हैं तब।